आज हम कक्षा 10वीं में नए बुक के साथ हम आज स्टडी चालू करेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि ये जो बुक हैं, ये चार बुक आप लोग को दिखाई दे रही हैं, ये बुक्स जो हैं अपन को लगनी है। ये आप लोग जो है मार्केट से खरीद लेना। उसके बाद फिर जो चैप्टर है वो फिर हम उसके लिए स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ये जो बुक्स हैं वो आप लोग को खरीदनी है। यहाँ से अभी जब तक गवर्नमेंट की चीज़ नहीं आती हैं तब तक हम जो है ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है उसको आप लोग को नोट बनानी है और साथ में पढ़ाई भी करनी है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि संसाधन एवं विकास जो फर्स्ट चैप्टर है जो भूगोल का, उसमें हम संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं संसाधन एवं विकास। तो संसाधन क्या है? तो संसाधन सबसे पहले ये चीज़ है कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसको हम संसाधन बोलते हैं। अब संसाधन हमारी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेगी, क्योंकि डायरेक्ट तो हम यूज़ करते नहीं उस संसाधन को। तो जो संसाधन हमें प्राप्त होती है उसको प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होती है और ऐसे जो प्राप्त होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, उस संसाधन को अपने आवश्यकता अनुसार जो है हम उसको परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे ट्राइंगल में दिया हुआ है, बीच में मानव लिखा हुआ है, ऊपर भौतिक पर्यावरण लिखा हुआ है, प्रौद्योगिकी लिखा हुआ है, संस्थाएं लिखा हुआ है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि मानव जो है वह भौतिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण से सामग्री उठाता है और उसको रूपांतरित करके अपनी आवश्यकता अनुसार उसको परिवर्तित कर लेता है। जैसे कि हम लोग बहुत से संसाधन जो प्राकृतिक से उपहार समझते हैं, ऐसा नहीं है। संसाधन जो है मानवीय क्रियाओं का एक परिणाम होता है, जो मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जब हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मानव संसाधन भी है, जल संसाधन भी है, थल संसाधन भी है, मतलब ये सभी चीज़ें जो हैं एक संसाधन ही हैं जिनका कि हम उपयोग करते हैं। जैसे कि तुम लोग देखते होगे कि मजदूर भी जो कार्य करता है तो वो भी एक तरह से मानव संसाधन ही है। जहाँ पर हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, समाप्त के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास स्तर के आधार पर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये संसाधन के बारे में हम आगे देखेंगे। अब जैसे संसाधन दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, जिसको कि तुम लोग 9th में पहले पढ़ोगे, तो संसाधन जो है वह दो प्रकार के, सांस्कृतिक और मानवीय जो हम देखते हैं या प्राकृतिक, वह चीज़ दी हुई है। अब प्राकृतिक में आप लोग देख रहे हैं कि नवीन योग और अनवीनीकरण योग। अब नवीकरण में जो सतत प्रवाह, जिसमें कि जो हमेशा चलती रहती, जो समाप्त नहीं होती है, वह सतत हो गया। अब इसमें आप देखेंगे जैव, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव है। अब यहाँ प्राकृतिक वनस्पति ये सतत कैसे चलती है? अब इसमें देखते होंगे एक पेड़ जो है नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके बीज गिरते हैं तो उससे दूसरा पेड़ तैयार हो जाता है। उसी तरह से वन्य जीव है, वन्य जीव भी जब नष्ट होता है वह जमीन में मिल जाता है, लेकिन उससे भी प्राकृतिक एक निरंतर जो है चक्र वो जो है चलता रहता है। अनवीकरण योग जो कि पुनः चक्रीय, जैसे धातु, धातु जो है जो बच जाता है उसे गला कर तुरंत हम तैयार कर लेते हैं। और दूसरा अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। उसी तरह से है मानवीय, जो संरचना एवं संस्था है, मात्रा एवं गुणवत्ता है, जो हमें वस्तु प्राप्त होती है उसको हम संस्था में जाके उसका निर्माण होता है और मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर उसको हम तैयार करते हैं। फिर यहाँ पर हम देखेंगे संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार जो हैं वो उत्पत्ति के आधार पर है, जैव संसाधन है, अजैव संसाधन है, समाप्तता के आधार पर है। अब इसमें देखेंगे कि जो मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जाते हैं, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन वे सारे निर्जीव वस्तुएं जो अजैव संसाधन कहलाते, मतलब जिसमें जीव नहीं होती, जैसे चट्टाने और धातुएं। तो उसी प्रकार से सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन भी है, जिसमें कि सभी सदस्य जो को उपलब्ध होते हैं, गांव की सामूहिक भूमि होती है, चारण होते हैं, ये सारी चीज़ें जो स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं, क्योंकि इसमें जो खेल मैदान और रहने वाले लोगों की उपलब्धता होती है। फिर राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन जो है देश की सरकार कानूनी अधिकार होता है जो व्यक्तिगत संसाधनों के आम जनता के हित में जो अधिग्रहित की जाती है, जैसे सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल लाइनें हैं, ये व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। ये शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आती हैं। जैसे नवीनीकरण योग्य संसाधन कौन से हुए, जिनको कि जैसे क्या है, उदाहरण के तौर पर जैसे सौर है, पवन ऊर्जा है, जल है, वन है, वन्य जीव है, ये है सतत चलने वाले संसाधन हैं। फिर अनवीनीकरण, जैसे कि अभी बताए थे, जिसको कि हम उसको दोबारा पुनर्चक्रिय होते हैं, जो कि उस जीवाश्म जो है वह अचक्रिय होते हैं, क्योंकि इसको हम एक बार प्रयोग करते हैं और वह समाप्त हो जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियत करती हैं, जैसे कि 200 समुद्री मील की दूरी, पूरे महासागरीय संसाधन किसी भी देश का अधिकार नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना हम इसका उपयोग नहीं कर सकते।